द्रौपदी के डंडादो पर्वत पर हिमस्खलन के बाद लापता हुए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों के लिए जारी तलाशी अभियान में आज 7 और शव बरामद किए गए। डीएम उत्तरकाशी अभिषेक रोहेला ने कहा कि घटनास्थल से बरामद होने के बाद 7 शवों को उन्नत आधार शिविर से मतली हेलीपैड लाया गया है। हम मौसम के अनुसार और शवों को निकालने की कोशिश करेंगे। जो हादसा हुआ था वहाँ से इंसिडेंट साइट से इनको एडवांस बेस कैंप लाया गया और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से इन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया है और अभी 7 बॉडीज़ पहुँची हैं और आइडेंटिफिकेशन का काम अभी गतिमान है। अब मौसम का क्या हालात है, और भी आएंगे इसके बाद चलेगा जो? जी, प्रयास अभी है कि और भी रिकवरी की जाए, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाए, परंतु अभी मौसम के मिजाज को देखते हुए निर्णय एयरफोर्स लेगा। आज ITBP मातली उत्तरकाशी के हेलीपैड पर अभी 7 शव आए हुए हैं, उन 7ों की पहचान हो गई है और अभी और प्रयास किया जा रहा है कि 3 शव वहाँ हमारे एडवांस बेस कैंप पर आ चुके हैं, तो अगर मौसम ठीक रहा तो एयरफोर्स का चॉपर जाएगा और उन 3 शवों को भी ITBP के मातली हेलीपैड पर ले आएगा। और क्या स्थिति है इस टाइम वहाँ पर? और जो पहले से डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है उनको ले आने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ चॉपर की लैंडिंग अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सब मैन्युअली ही लिया जा रहा है, जिससे कि समय लग रहा है। मौसम का भी थोड़ा प्रभाव है जिसके कारण से चॉपर लैंड नहीं कर पा रहा है। कौन कौन सी टीमें लगी हुई आपके कार्य में? इसमें ITBP की, NIM की, SDRF की टीम लगी हुई है और उन डेड बॉडी को रिकवर किया जा रहा है।